निषाद स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आज विश्व थेरेपी दिवस पर 3 दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप और फिजियोथेरेपी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शहर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर एस के निषाद के द्वारा तरह तरह के परामर्श जरूरतमंद लोगों को दिए गए, साथ ही पुराने से पुराने दर्द, लकवा, जन्मजात विकलांगता इत्यादि की जाँच भी की गई। इस मौके पर डॉक्टर निषाद ने बताया कि पहले के समय में किसी तरह का दर्द होने पर लोग कई तरह के पेन किलर लेकर दर्द को शांत करते थे, उसके बाद चिकित्सकों से सलाह लेते थे या फिर सर्जरी के बाद ही फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने के लिए आते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग किसी तरह के दर्द से जूझ रहे होते हैं तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से ही मिलने आते हैं, क्योंकि आज के ज़माने के लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि यदि आप किसी तरह के दर्द से जूझ रहे होते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने पर आपको बहुत हद तक राहत मिलती है। डॉक्टर निषाद ने यह भी बताया कि हर साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पूरे देश और विदेश में नई थीम पर काम करती है। इस साल विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 की थीम रिहैबिलिटेशन लॉन्ग कोविड 19 है। संगठन ने कोविड 19 महामारी के मुद्दे से निपटने के लिए पिछले साल अपनाई गई इस थीम के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर मेगा हेल्थ चेकअप द्वारा लोगों को अपनी सेवा देने शहर के जाने माने डॉक्टर्स भी पहुंचे, जिनमें डॉक्टर पंकज कुमार जो कि न्यूरो फिजिशियन, उसके बाद डॉक्टर चंदन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर निषाद चीफ फिजियोथेरेपिस्ट, इन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों में जागरूकता लाने के लिए 3 दिनों के निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा प्रदान की जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई। साथ ही शिविर में हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड की भी जांच की गई, कैल्शियम, ब्लड शुगर, थायराइड इत्यादि का भी जांच निःशुल्क किया गया। इस मौके पर मौजूद निदेशक रामदेव चौधरी ने बताया कि हर साल इस दिन पर तरह तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगे भी करते रहेंगे। लॉकडाउन में पैसों से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट। सबसे पहले आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पे हम अपने देश विदेश के सभी भौतिक चिकित्सकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आज 8 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल ये नए नए थीम पे काम करता है। ताज्जुब की बात ये है कि पिछले साल भी इसका थीम कोविड का था और इस साल भी कोविड को लेकर ही रहा। तो पोस्ट कोविड और प्री कोविड रिहैबिलिटेशन पे हर देश के फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग आज अपने संस्था पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें लोगों के बहुत सारे ब्लड टेस्ट जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, कैल्शियम का निःशुल्क जांच किया जा रहा है। परामर्श निःशुल्क है और 3 दिन की फिजियोथेरेपी चिकित्सा हम लोग निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। और इस मौके पे हमारे साथ डॉक्टर पंकज न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर चंदन फिजियोथेरेपिस्ट और मैं डॉक्टर निषाद आप लोग की सेवा के लिए सदैव हर साल की तरह मैं तैयार हूँ और आज शाम को 6 बजे तक ये चिकित्सा शिविर चलेगा।